ऑल राइट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन एक्को बॉय पैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस, थंबनेल में आपने देख लिया होगा और काफी लोगों ने आपने गेस भी कर लिया था। तो आज हम ला रहे हैं ग्रीन टेरर इस टैंक के लिए। तो जल्दी चलते हैं और ग्रीन टेरर को हम लेके आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छी खासी धूप निकली हुई है और ये फिशेस काफ़ी प्यारी दिखती हैं, उनको हम बाद में दिखाएंगे। अभी हम निकलते हैं और हमें जैसा कि बिल लेके आना है। पहुंच गए हैं यहाँ पे और एज यूजुअल वो छोटू काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। छोटा राघवन, से हाय। हाय हाय। सो नंदिता एक्वेरियम पहुंच चुके हैं, से हाय टू भाई। हाय भाई को मैंने बोला हुआ है कि एक अपना रेड ऑस्कर, कौन सा था, रेड फायर ऑस्कर बोला तो है, तो ये ट्राई कर रहे हैं। तो जब तक वो आती है तो एटलीस्ट इसका वेट था ग्रीन टेरर का, तो वो भी लेके जाते हैं। ग्रीन टेरर आराम से रहेगा, रहना को भी कुछ नहीं कर रहा। हाँ, तो अपने को बस अभी भाई वो उसका ट्राई करो ऑस्कर वाले। आपको सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, ये वाला ले लो। हाँ तो भाई दिखा दीजिए, ये ले लिया हमने ग्रीन टेरर। और इसका ये अभी कितने इंच का होगा, ये इसके 4 इंच है। 4 इंच है ना, तो ये अच्छा खासा बोलते हैं कि बड़ा हो जाता, बड़ा है, हो जाता है, इंच का हो जाता है। होता है, बाद में ये कलर भी फ्लोरोसेंट आता है, आएगा ना इसमें। तो मस्त आता है, तो इसको ग्रो होते हुए देखेंगे अच्छा लगेगा। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग, बाय बोल दो। ये छोटू भी बाय बोलना चाह रहा था और हरदम जैसा बोल रहा था एक्साइटेड रहता है। तो कौन सा फिश है बोल दो। ग्रीन टेरर। ग्रीन टेरर। ग्रीन टेरर। चलो बाय बोल दो सबको। बाय। देखो आओ, देखो नई फिश लेके आऊं। आओ देखो, नया फिश अच्छा है। और बाय बोल दो, बाय बोल दो। तो गाइज ऑल्सो कमेंट में इसके बारे में मतलब पता तो कर रहा था, तो बोलते हैं कि इट वॉज सेइंग दे गेट अप टू 30 सेंटीमीटर। नाइस, अगर उतनी बड़ी हो जाएगी तो बहुत ही प्यारी लगेगी। अरे बात के चक्कर में भूल गया था ना, अगर उतनी बड़ी हो गई तो मज़ा आ जाएगा यार। और जितनी बड़ी होगी इसका कलर प्यारा होगा। तो चलिए इसको अब एक लिमिट होने के लिए हमें डालना है। तो पहुँच चुके हैं घर और इसको अब यहाँ पर डालते हैं एक लिमिट होने के लिए। ये क्या है इसके अंदर, इसको खोदने देते हैं। एक्लीमेट फॉर सम टाइम, नहीं हो चुके हैं 20 से 25 मिनट। एक्लीमेट हमारी फिश हो चुकी है। अगेन इसका हम पानी नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ मैं फिश निकालूंगा। तो पहले पानी निकाल लेता हूँ इसका मैं। तो इसको फिश को निकालता हूँ। ये निकल गई है फिश हमारी। इसका कलर आप धूप में देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, ब्लू इलेक्ट्रिक सा कलर आ रहा है इसका, ये देखिए। और ये जितनी बड़ी होगी इसका कलर प्यारा आता जाएगा। अब मैं इसको निकाल के डाल देता हूँ। ये देखिए पास में आइए, we'll be right back.
थोड़ी बड़ी साइज में ग्रीन टेरर मिल जाएगी, कुछ दिख ही नहीं रही है उसमें। प्लस तो मैंने भाई को बोला हुआ था कि अगर ऑस्कर अच्छे वाले कलर के मिल जाएं तो वो आ गए, तो वो भी अभी लेके आ रहा हूँ। तो इन टोटल ये हम इसमें 3 फिश ऐड कर रहे हैं। टेरर ऑलरेडी ऐड हो गई है और ऑस्कर को हम लेके आते हैं, तो मैं जल्दी से वापस जा रहा हूँ और लेके आता हूँ। So, ये इसमें थोड़ी क्लिप्स थोड़ी मिक्स हो गई हैं गाइस, बिकॉज ये वीडियो एक ही होना था ग्रीन टेरर, बट देन ग्रीन टेरर लगा के इतना कुछ उसमें लुक नहीं आ रहा है। एक सेकंड बटन दबा दूं, और फिर इतना हाइप क्रिएट करके कि अरे फिश ऐड कर रहे हैं और उसमें कुछ वो दिख ही नहीं रही है, तो मैंने कहा ठीक है जल्दी से वो दोनों ऑस्कर्स भी ले आता हूं, फिर हम उसमें पूरी फिश ऐड करते हैं। छोटी हाय बोलने आई है, हाय बोल दो। और ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, इसको बाइक के टच कर दो, स्टार्ट हो जाएगी, टच कर दो। थैंक यू, बाय बाय बोल दो सब। पहुंच चुके हैं शॉप पे, चलते हैं अंदर। जस्ट अभी पहुंचा हूं और भाई को कुछ अर्जेंट काम आ गया, वो निकल गए, बट वो रही साइज थोड़ी छोटी लग रही, तो आई एम जस्ट डिसाइडिंग कि क्या करना है, कैसे ले जाऊं या लच्छी लेके चलते हैं। तो ये रही, इसमें एक मैंगो है और एक वो थोड़ी रेड वाली लग रही है, तो इसमें से देखता हूँ 3 ले चलते हैं, फिर देखेंगे। एक तो जैसे ही शॉप में आ जाओ तो बड़ा लालच होने लगता है कि सब ले चलो क्या है। गाइज मैंने ये 3 ली हैं फाइनली, इसमें एक मैंगो ऑस्कर, एक रेड फायर और एक थोड़ी एल्बाइनो और प्लस रेड टाइप है, तो चलिए इनको लेके चलते हैं। तो घर हम पहुंच चुके हैं, प्लस अब इनको हम डालते हैं एक्लिमेट होने के लिए। दीज ऑल फिश आर डूइंग रियली वेल, जो देख सकते हैं ये जो नई गोल्ड फिश आई थी डूइंग वेल, और सारी वहाँ सब घूमते हुए प्लांट्स हो गया। तो इसको अब डालना है इसके अंदर एक्लिमेट होने के लिए। इसमें आपको पानी थोड़ा ब्लू ब्लू लग रहा होगा इसका, क्योंकि ये मैंने मेडिसिन डाली है जो आपको मैंने दिखाई थी, तो इसको एक्लिमेट होने देते हैं 20 से 25 मिनट। तो गाइस हाफ एन आवर हो गया है, अब बारी है इनकी निकालने की। बाय द वे मैंने इसमें ये स्ट्रेस हीलर और वो वाटर क्लियर वाला जो लाया था वो मैंने डाल दिया है। मैं इसको पहले काट लेता हूँ। तो अब हम इसमें से निकालेंगे सबसे पहले रेड फायर वन। हाथ से टपकनी की, ये देखिए क्या प्यारा कलर है इसका, ये देखिए। तो अब है दूसरी बारी, तो मैंगो मैंगो येलो वन है जो तो पानी। कलर से लगा इसलिए कितना प्यारा कलर है। तो गाइज अनफॉर्चुनेटली मैं तो वो आपको क्लिप भी नहीं दिखा पाया, मतलब मेरा मूड इतना ख़राब हो गया कि मैं वो क्लिप भी नहीं बना पाया, कि तो जैसे ही मैंने अपने ऑस्कर्स डाले तो जो ये येलो फ्लोरॉन है एंड दैट ब्लू सिकलिक वो पीछे पड़ गए तुरंत उनके, एंड देवर इन लाइक काफ़ी इंजर्ड वाइज एंड तुरंत ही एक अच्छा खासा स्क्रैच दोनों पे मार दिया, एंड देन आई हैव टू रिमूव देम क्विकली एंड उनको मेरे को वापस दे के आना पड़ा। आई एम सॉरी यहाँ पर आप गाली दे रहे होगी कि पूरा वीडियो आप अभी तक देख रहे थे कि फिश ऐड हो गई लेकिन उसमें से निकल गई, तो आई डोंट नो वो वर्कआउट नहीं किया। सो आई थिंक या तो मुझे बड़े वाले थोड़े ऑस्कर लाने पड़ेंगे, बट आई रियलाइज्ड कि वो शॉपकीपर भी बोल रहे, मतलब राघवन भाई बता रहे थे कि
पैरेट और ऑस्कर जब अगर थोड़े बड़े छोटे होते तो वो थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, तो इधर आई हैव टू गेट द बिगर ऑस्कर्स, या बताओ कि मैं ऑस्कर्स बटाता आप लोग, मेरा भी मन था, आप लोगों में से काफ़ी लोगों का मन था कि ऑस्कर होने चाहिए इसमें, तो लेट मी सी आई विल गेट द बिगर ऑस्कर और आई शुड गेट ओनली द पैरेट्स विथ लाइक मोर पैरेट्स आर यू वॉन्ट टू हैव ऑस्कर एंड येस आई एम ट्राइंग फॉर अ फ्रंटोसा शिकलेट जो एक है जो काफ़ी बड़ी, बट अब मेरे को ये चीज़ एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि मेरे को उनको बड़े साइज में ही लाना है बिकॉज इनफैक्ट दे आर काइंड ऑफ बॉदरिंग अवर टेरर शिकलेट, उसको भी थोड़ा कर रहे हैं बिकॉज ये सब टेरिटोरियल होती ही हैं, तो जब भी कोई नया आता है तो ये थोड़ा पीछे पड़ रही हैं, तो आई थिंक अब मैं छोटे साइजेस नहीं ला सकता, बड़े साइजेस लाने पड़ेंगे। तो चलिए अभी ये तो हो गया अपडेट अपना इसका, अब चलिए जल्दी जल्दी अपने कोई फिशेस और नई जो गोल्ड फिश उसमें डाली थी उनको दिखाते हैं, सबको फीड करना है, इनको भी फीड करते हैं जल्दी, टर्टल से मिलवाता हूँ और कोई फिशेस एंड देन इगुआना और फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। तो ये इन सबको लग गया है पता, खाना आने वाला है एंड देन ऐसे डालता हूँ मैं ऊपर, अब फ्लोरोन बोल रहा हूँ, एरोवाना तुरंत आती है खाने के लिए गाइस, इसको पता लगता है फूल आ गया, अभी देखिए डालूँगा तो कैसे एकदम जंप मारेगी, ये देखिए ये सब खाने लग गए हैं इसमें, ये देखिए खाते हुए फ्लोरोन, आप सबकी विशेष से अच्छा खासा खाती है, मस्त खा रही है एंड देन फ्लोरोन खा रही है एरोवाना, सब खाते हुए टेरर अपना बाद में खाता है क्योंकि अभी देखो थोड़े से स्क्रैच आप देख सकते हो कि वो इसको बॉदर कर रहे हैं, बट अब ठीक है, अभी ये उतना नहीं है स्टार्टिंग में था, तो इन सबको अब खाने देते हैं एंड चलिए अब चलते हैं हम लोग बालकनी कोई पॉइंट के पास, अच्छी खासी धूप निकल रखी है अभी और पूरी फिश इनको फिट करते हैं। तो ये रही हमारी नई गोल्ड फिश जो आप देख सकते हैं दोनों और सारी अब, और ये पूरा अच्छा खासा फ्लार तो यहाँ पर मैं डालता हूँ, देखिए धीरे धीरे सब आएंगे, ये काफ़ी पीसफुल होता है, शाम को मैं अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता हूँ यहाँ पर। ये रही हमारी बड़ी वाली शॉर्क वाइट वाली हो रही है, ये देखिए कोई फिश सारी कोई, तो इनके पास अच्छी खासी हाइडिंग स्पेस है, इसके नीचे उसके पीछे सब छुपते रहते हैं, और ये देखिए सारे, तो ये कुछ इस तरीके का लगता है, तो अब आ गए हम अपने टर्टल रूम में, तो ये रहे बड़े टर्टल वो रहा हमारा, तो एक सेकेंड अब इनको फीड करना है तो इनका बंद कर देता हूँ, और प्लस तो दिखा भी देता हूँ, तो ये है इसका आप साइज़ देखिए, फीमेल है ये हमारी अच्छी खासी साइज़, ये जंप मारते हुए और यहाँ ये खाना डालते हुए, और देखिए ये हम खाएंगे, तो ये दो बड़ी शार्क्स हैं, एक बोरेली और सिकलेट पता नहीं कहाँ है, इनको चलिए वो देखिए ये आया यहाँ पे, हाय भाग गया एंड देन नाउ इनकी बारी है जिसमें हमारे गप्पीज और मोलीज टेट्रास, आई एम फीलिंग सैड अभी, इसका 3 फीट यहाँ पर स्टैंड ही नहीं आ रहा है, तो ये इसमें पड़े हुए हैं और इनको मैं ढंग से अच्छा मतलब लुक नहीं दे पा रहा हूँ, ऐसे कोने में पड़ा हुआ है, तो इसको भी जल्दी से कुछ करना है, इसका जल्दी हम करेंगे। तो ये है हमारा फिश रूम एंड टर्टल रूम, तो वो बैठे हुए हैं, ये देखिए अच्छी खासी धूप निकली हुई है, और इगुआना आराम से हाय टू सब्सक्राइबर्स डाली, सो मस्त आराम से यहाँ पर, कभी नीचे जाके गद्दे में बैठता है यहाँ आराम से, ये पूरा इसका इंक्लोजर कुछ इस तरीके रहता है, और वुड में आराम से चढ़ता रहता है, फेवरेट पोजीशन यही है वो, हर देखिए अभी सो गया, एक्टिंग कर रहा है सोने की, चल बाय बोल दे सबको, बाय के नाम से एकदम उठ गया है, हाँ यहाँ से बाय। गाइस ये था वीडियो जिसमें ऐड करी निकाली तो एनीवेज इट्स अ प्रोसेस, तो डू कमेंट कि बड़े ऑस्कर लेके आऊँ या पैरेट डालूँ, फ्रंटोसा मैं एनीवेज आई एम ट्राइंग टू गेट देम एंड लेट मी सी, अगर ग्रीन टेरर थोड़ी बड़ी वाली मिलेगी तो उसको लेके आएंगे, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल तो एडजस्टेड है बट स्टिल थोड़ा सा बुलीड होती रहती है वो देखिए,
येलो फ्लोरॉन से, तो लेट मी सी कि क्या करना है उसका। एंड देन स्टिंग रे, जो मैंने एक पोस्ट मारी थी, सब्सक्राइबर तो वहीं अटके पड़े हैं, 100 भी नहीं बढ़े हैं ढंग से, 40K होंगे तब आएगी स्टिंग रे। तो गाइज हेल्प मी टू रीच 40K सून, सो वील गेट द स्टिंग रे फॉर इट। एंड देन बाकी आपने मेरे अदर कलेक्शंस देखी हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ ऐड करते रहेंगे। वो जो अंदर वाला टैंक उसको 3 फीट में चेंज करना है, तो अगर आपको और रेगुलर अपडेट्स देखने हैं तो प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब माई बटन। अगर आप चैनल में पहली बार हो तो दबा दो यार, फ्री में आपको करना है, फेंक के मारना है, जो भी है सब्सक्राइब करना है बस कर दीजिए। एंड देन मेरे लिए मोटिवेशन मिलता रहता है, एंड देन आई कीप गेटिंग प्रोजेक्ट्स एंड 3 फीट बनाएंगे और इगुआनास, टर्टल्स और पॉन्ड के बारे में वीडियोस दिखाते रहेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और प्यार बढ़ाइए। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, आसपास ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहिए। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।